ये देखे लोग अक्षतों पर अनार छोड़ते हुए, क्या नज़ारा है पतंगों के बीच के अंदर। ये देखिए आतिशबाजी, आखिरी टाइम है, ये देखिए लालटेन, जितनी भी ये सारी दिख रही हैं आपको, ये सारी लालटेन हैं। ये देखिए अद्भुत नज़ारा, आतिशबाजी के बीच के अंदर पतंगें उड़ती हुई, क्या गजब नज़ारा है। यही खासियत है जयपुर नगरी की, कोई त्यौहार कैसे भी हो लेकिन आखिरी के अंदर एंडिंग ऐसी जोरदार होती है कि देखने वाला देखता रह जाता है। ये तो अभी शुरुआत हुई है, आप थोड़ा और रुकिए और आपको एक से बढ़कर एक नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप, क्या मस्त नज़ारे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे दीपावली मनाई जा रही हो। ये देखिए जहाँ आप निगाह डाले हुए उड़ते हुए, ये देखिए ऑफिस, ये देखिए क्या गजब का नजारा है। ये देखिए लालटेन उड़ाते हुए, आप इधर देखिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा क्या नज़ारा है आतिशबाजी का। ये देखिए ये हम कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ सकरात के दिन है।
क्या मस्त। ये देखिए यहाँ पे लालटेन उड़ाने की तैयारी। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये वाह, वाह, लॉन्चिंग होते हुए और लालटेन फाइनल लॉन्चिंग। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। ये तो नीचे चला गया, ये ऊपर जाने की जगह, लेकिन फिर भी हम अपनी काउंटिंग चालू रखेंगे। 3, 2, 1। देखना ये कि कितनी देर में वो ऊपर आती है, जब तक ये क्या बम है। मजा आ गया देख के, नीचे गिर गई है, शायद क्रैश हो गई है। मेरे हिसाब से आ गई, आ गई, आ गई, वापस आ गई है, आ गई है। नीचे से, नीचे से हवा लगी उसको और ये आ गई है। वाह, ये फाइनली उड़ते हुए और उड़ाने वाले पायलट निहारते हुए देखना। ये ऐसा नहीं है कि बीच के अंदर जाके फंस जाएंगे, क्योंकि उसी रास्ते पे जा रही है ये। देखिए क्या यही एक इंटरेस्टिंग पार्ट है इस संक्रांत का। भले ही कैसे कुछ क्यों ना हो, लेकिन आखिरी में जो चीज़ें हमारे हाथ में, पूरा करने की कोशिश करते हैं। हवा साथ दे ना दे, मौसम साथ दे ना दे हमारा, बट जो चीज़ हमारे हाथ में है वो है, हम आतिशबाजी कर सकते हैं, लालटेन जला सकते हैं। सो उसको ही करते हुए दिन में, लेकिन आज बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, हवा ने सपोर्ट किया सब पतंगबाजों को। आज मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा पतंग उड़ा के, क्योंकि आज जिस तरीके से हवा चली थी सुबह से लेके और पूरे शाम तक, मतलब एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। काफ़ी समय बाद मैंने ये चीज़ देखने को मिली कि कंटिन्यू हवा चली। बट इससे पहले तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरे दिन भर सुबह से लेकर और शाम तक चली हो, बट आज ऐसा पहली बार हुआ है काफ़ी समय बाद कि सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू हवा चली और सब पतंगबाजों ने अपना अपना पूरा सहयोग किया आज मकर संक्रांति के ऊपर, और एक दूसरे की पतंगें काट के। और अभी हम बैठे हैं शाम को, तो आपको मैं शाम को दिखा रहा हूँ किस तरीके से पूरा का पूरा इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, आखिरी लास्ट मोमेंट्स को। सो लोग किसी भी तरीके से मकर संक्रांति के त्यौहार को जाने नहीं देना चाहते और इसको हर पल और खुल के इंजॉय करने के उसमें। अब आप देखिए ये रात का नज़ारा है शाम को, अभी 6:30, 7:15 का टाइम हो रहा है। सो अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे थोड़ी और रात होगी या और नज़ारा आपको अट्रैक्टिव दिखेगा। आप देखिए क्या मस्त, आप बताइए जरा कि क्या ये दीपावली है या मकर संक्रांति है। देखिए
कितना आनंदमय नज़ारा है। पूरे दिन भर की थकान जो होती है पतंग उड़ा के, वो शाम को इस नज़ारे के साथ ख़त्म होती है, तो पूरा ऐसा लगता है कि मज़ा ही आ गया। ये देखिए लालटेन जाते हुए, ये देखिए आप, ये देखिए क्या बम है, ये देखिए हमारी लालटेन भी इसी साइड जाती हुई। देखिए पूरा आसमान सुबह पहले पतंगों से भरा हुआ था, और अब पूरा आसमान लालटेन और आतिशबाजी से भरा हुआ है। देखिए आप कितनी सारी लालटेन सी लालटेन पूरे आसमान में। देखिए जहां नजर जाए वहीं लालटेन ही लालटेन। सब जो आप देख रहे हैं ये लालटेन है जो हवा में काफी दूर से सफर तय करती हुई आ रही है। ये देखिए